क्वेश्चन नंबर 180 में बोलता है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, बीसी 7 है, सीए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, फिर बीसी को प्रोड्यूस किया है डी के बाद, फिर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हमें बताना है डीसी का वैल्यू क्या होगा। आइए देख लेते हैं, ट्रायंगल अपना क्या है एबीसी और बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया, ए बी सी ए डी तक हो गया है, डी ए बी क्वेश्चन में क्या दिया है कि डी ए बी जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल डी सी ए के, हमें बताना डी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी कितना है 20, बी सी कितना है 7, सी ए कितना है 50। आइए देख लेते हैं, तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि डी ए बाई डी सी जो है ना ये इक्वल हो गया है डी बी बाई डी ए के, जो कि इक्वल हो गया है ए बी बाई ए सी के। जो जो वैल्यूज पता है वो लिख लेते हैं, डी ए पता है क्या, नहीं, डी सी पता है, नहीं, बी डी पता है, नहीं, लेकिन बी डी को हम 7+CD ज़रूर लिख सकते हैं, फिर से डी ए पता है, नहीं, इक्वल टू ए बी पता है, हाँ, ए बी है 20 और ए सी कितना है 15, 20/15 को लिख सकते हैं 4/3। अगर हम ध्यान से चले तो हमें निकालना क्या है, डी सी का वैल्यू निकालना, मतलब सी डी ही निकालना है, तो आइए फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि डी ए का जो वैल्यू है ना ए आ गया है 4/3 ऑफ डी सी फर्स्ट। अगर हम सेकेंड एंड लास्ट को इक्वल करें, एक मिनट, सेकेंड एंड लास्ट को इक्वल करें तो हमें पता चल रहा है कि भैया कि डी ए का जो वैल्यू है ना ए आ गया है 3/4 ऑफ 7+CD, दोनों तो डी ए का वैल्यू है, इक्वल हो जाएगा। अगर आप दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा कि 4/3 ऑफ डी सी का वैल्यू आ गया है 3/4 ऑफ 7+CD। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4×16 16CD का वैल्यू आ गया है 963+9CD, इसका मतलब CD का वैल्यू आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बस ये सिमिलैरिटी का सीन था और सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सोल्यूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।